नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों से निपटने का जो बुलडोजर मॉडल अपनाया था वो ज्यादातर राज्यों को अब पसंद आने लगा है। यूपी एमपी गुजरात के बाद अब बुलडोजर दिल्ली जा पहुंचा है, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने भी इस हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से कानून व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल की मांग की है। कार्रवाई के दौरान 400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों पर रासुका लगाया गया है। सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इलाके में आज से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से 400 जवानों की मांग की थी। एमसीडी का कहना था कि अवैध निर्माण गिराने के दौरान तनाव हो सकता है, इसलिए पुलिस की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने यहां अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। इन पुलिसकर्मियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है। वहीं एमसीडी की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही अवैध निर्माणों में रहने वाले लोगों ने अपने अपने सामान बांध कर बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बता दें कि एमसीडी ने जहांगीरपुरी में बने अवैध मकानों को तोड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में उसने दिल्ली पुलिस के करीब 400 पुलिसकर्मी मांगे हैं। बता दें कि एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कर्मियों को सख्त आदेश दिए हैं। शाह ने कहा है कि मामले में ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि फिर से कोई इस तरह की घटना न हो सके और लोगों के लिए यह एक मिसाल बने। गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को फोन कर कहा कि मामले में जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां और बीजेपी आमने सामने हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा का मामला अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली से बाहर के राजनीतिक दल और नेता भी इसमें कूदते नजर आ रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये प्रतिक्रिया उस फैसले पर दी है जिसमें एमसीडी ने इस इलाके में बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है। आप विधायक अमन तुल्ला ने कहा कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहती है। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के जरिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। इससे माहौल खराब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें। वहीं बीजेपी इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी के महापौर और कमिश्नर को पत्र लिखा है कि इन दंगाइयों द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए।